जनपद मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अंतर्गत संस्था आधारशिला एजुकेशनल ट्रस्ट मुजफ्फरनगर में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में स्मार्टफोन वितरण समारोह कार्यक्रम आयोजित कराया गया है। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन अंतर्गत लगभग 240 प्रशिक्षणरत प्रशिक्षणार्थियों को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना डीजी शक्ति के माध्यम से चयनित प्रशिक्षणार्थियों को राज्य मंत्री द्वारा स्मार्टफोन वितरण कराए गए। कितनी होगी मुझे अंदाजा नहीं है, कभी ज्योति पड़ी 1000 रुपये तो 1800 इससे कम तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, बुटीक उसने खोल लिया शहर में गांधी कॉलोनी जैसे मोहल्ले में, तो वही 350 रुपये का काम गांधी कॉलोनी में आकर के 1800 रुपये। ये सब क्या है, ये वे ऑफ सिस्टम ऑफ प्रेजेंटेशन, अपने काम को कैसे हमको प्रेजेंट करना, अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना, कैसे कस्टमर को लगेगा भाई बहुत अच्छी जगह। जैसे मान लो आपकी स्कूटी है, आप स्कूटी चलाते हो बहुत सारे बच्चे, या भाई लोग स्कूटर चलाते हो, मैं मोटरसाइकिल चलाता हूँ, तो जब आपका मैकेनिक आपकी स्कूटी खराब होती है तो ये थर्ड क्लास के पास जाते हो, अच्छे मैकेनिक के पास जाते हो। मुजफ्फरनगर में जो हमारा मंत्री होने के नाते विभाग है शिक्षा कौशल विकास, तो कौशल विकास के लिए बच्चों को आज हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की ओर से जो आयुष्मान बांटे गए हैं उनका वितरण, बच्चों का मोटिवेशन, और बच्चों में आपने देखा होगा कि कितने शानदार स्टूडेंट्स, वेल क्वालिफाइड जो बच्चे एमए हैं, एमकॉम हैं, बीएससी हैं, एलएलबी हैं, इंटरमीडिएट पास हैं, ऐसे सब बच्चों को डिफरेंट टाइप के स्किल्स देकर के, प्रशिक्षण देकर के, जो कंप्यूटर में ड्रेस डिज़ाइनिंग के अंदर और डिफेंस सेक्टर्स के अंदर उनको प्रशिक्षण देने के बाद वो सब बच्चे बहुत शानदार काम कर रहे हैं। आप लोगों को सुना भी है तो बच्चे स्वावलंबी हो रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो स्वावलंबी भारत का सपना है उसको बच्चे साकार करने का काम कर रहे हैं। मैं सब बच्चों को बधाई देता हूँ और ज़्यादा प्रशंसा।